हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के बारे में। आप सभी को बताने वाला हूँ यहाँ पे बीटेक के एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में, टोटल सीट कितना है, क्या कट ऑफ है, क्या हॉस्टल फी है और जो ट्यूशन फी क्या है, किस तरह से एडमिशन आप ले सकते हो। कंप्लीट डिटेल में इन्फॉर्मेशन होने वाला है, कौन सा फॉर्म फिलअप करना है। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि इसके रिव्यू के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं फाइनली उनका जो मतलब उन्होंने सजेशन दिया था, वो उनके सजेशन को मैंने वीडियो के रूप में आप सभी के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप भी चाहते हो कि मैं और भी वीडियोस बनाऊँ किस टॉपिक पर, तो कमेंट जरूर से करना। एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, साथ में एक देख सकते हो फोटो है जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर और सीएम जो जम्मू कश्मीर के उस समय थी महबूबा मुफ्ती जी, वो गई हुई थी, तो उसका पिक्चर है। काफी अच्छा यूनिवर्सिटी है। एडमिशन लेने के लिए आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन क्रैक करने होंगे, तो क्या अपडेट है उसके बारे में समझते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाके ज्वाइन कर सकते हो, वीडियोस के अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च करो @PallavasOfficials। टेलीग्राम में सब्सक्राइब करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ज्वाइन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे पहले वीडियोज के अपडेट मिल जाएंगे। देखो, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब किया करो। मात्र बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब कम करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना दोस्तों के साथ, ताकि वीडियोस के रीच बढ़े, रिकमेंडेशन में आ सके। रैंकिंग की बात की जाए तो रैंकिंग आपको बता दूं, टोटल ओवरऑल 44 रैंक है टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज में। इसके अलावा 78 रैंक है NIRF के रैंकिंग हिसाब से, काफी अच्छा यूनिवर्सिटी है। कटरा में लोकेटेड है, स्टेट जम्मू कश्मीर में। आप सभी को पता होगा श्री माता वैष्णो देवी जो कि हमारा जो धार्मिक स्थल है, यहाँ पे माँ वैष्णो देवी की पूजा होती है, वो उन्हीं उसी के नजदीक है, तो काफी अच्छा जगह है, काफी अच्छा टेम्परेचर भी है। उसके बाद अगर यहाँ पे कोर्सेज की बात करें तो फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, तो सारे फैकल्टीज हैं। तो स्पेशली मैं बात करूंगा फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में, बीटेक कोर्स के बारे में। और ये एस्टैब्लिश हुआ था, मैं आपको बता दूं, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा, और ये एस्टैब्लिश हुआ था 1999 में, और टीचिंग की जो परवरिश स्टार्ट हुई वो 2004 में स्टार्ट हो गई। इसके अलावा ये टॉप 100 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में आता है, इसके अलावा टॉप 150 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में भी ये शामिल है, तो काफी अच्छा है यूनिवर्सिटीज है। साथ में वर्ल्ड के कुछ अच्छे यूनिवर्सिटी के साथ कोलेबरेशन भी है। वाइस चांसलर है यहाँ पे पद्मश्री प्रोफेसर RK सिन्हा जी। उसके अलावा इसके लोकेशन की बात करें तो देख सकते हो जम्मू कश्मीर जो कि आपको पता है कटरा, वहां पे जो हमारे वैष्णो देवी मंदिर है उसके काफी नजदीक है। श्री माता वैष्णो देवी एट अबाउट 2700 फीट अबव द सी लेवल, काफी ऊपर है, काफी जो वहाँ का सराउंडिंग है काफी अच्छा है और सुंदर भी है, देखने में भी काफी ज्यादा सुंदर है। और साथ में एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन लाइफ भी वहाँ पे काफी अच्छी है। ये देख सकती हो, ये श्री माता वैष्णो देवी कटरा जहाँ से स्टार्टिंग होती है वैष्णो देवी की, उससे काफी नजदीक है, और यहाँ पे काफी अच्छा सीनरी भी है। क्लाइमेट की बात की जाए तो सराउंडिंग पूरा हरियाली है, उसके अलावा झरने भी हैं, और पॉल्यूशन की बात की जाए तो पॉल्यूशन फ्री है, एटमोसफेयर पूरा कैंपस एक तरह से कह लो जन्नत है जन्नत। उसके अलावा एवरेज टेम्परेचर की बात की जाए तो समर में मैं आपको बता दूं 35 से 40 डिग्री सेल्सियस रहता है, और विंटर में 10 to 12, तो काफी मॉडरेट लेवल का टेम्परेचर है। हाई हिल फुल ऑफ वेजिटेशन ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कैंपस सील्ड द कैंपस पर्टिकुलरली द रेसिडेंशियल जोन फ्रॉम द लॉन्ग समर आफ्टरनून। आप देखो, जो गर्मी होती है समर होती है उस समय भी ठंड लगता है, और जब ठंड होती है तो उस समय तो ठंड लगता ही है, तो काफी अच्छा माहौल है वहाँ पे। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी इज अबाउट 7 किलोमीटर साउथ ऑफ कटरा। कटरा जो आपका है जहाँ से वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू होती है वहाँ से 7 किलोमीटर है। उसके अलावा 35 किलोमीटर जम्मू से 35 किलोमीटर है, और विंटर कैपिटल आप सभी को पता है जम्मू एंड कश्मीर है। उसके अलावा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात की जाए तो वहाँ से रोड, रेल और एयर रूट दो तीनों चीजें से आप जा सकते हो। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कटरा है जो कि 20 मिनट दूर है, और एयरपोर्ट आपका जम्मू में है जो कि 1 घंटा वहां से दूर है, तो कटरा से काफी नजदीक है। मैप में आपको दिखाना चाहूंगा, तो ये आपका यहाँ पे वैष्णो देवी हो गया, उसके अलावा यहाँ पे आपका ये यूनिवर्सिटी हो गया, तो काफी नजदीक है, इस रोड के थ्रू आ सकते हो। साथ में ये कटरा आपका स्टेशन हो गया, ये भी काफी नजदीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। उसके बाद सेटेलाइट व्यू की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा यहाँ पे आपका श्री माता वैष्णो देवी टेम्पल है जो कि एकदम नजदीक है, कोई ज्यादा दूर नहीं है, 20 मिनट के वॉक पे है। यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हो कटरा ऑडिटोरियम भी है, उसके अलावा
मटरीगा ऑडिटोरियम, तो काफी अच्छा प्लेस है, काफी अच्छा कैंपस है, और आप यहाँ पे जरूर से एडमिशन ले सकते हो अगर आपको एडमिशन का मौका दिया जाए। इसके अलावा यहाँ पे एडमिशन की प्रक्रिया की बात की जाए तो एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप किया जाता है अलग अलग कोर्सेस के लिए। बीटेक के एडमिशन फॉर्म की बात की जाए तो आप SMVDUEE एग्जामिनेशन के नाम से एडमिशन के लिए, एकेडमिक सेशन के लिए एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप किया जाता है। बीटेक का फॉर्म 28 अप्रैल से 26 जून तक के लिए फिलअप किया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग डेट्स हैं, जून तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा और भी डिटेल्स देख सकते हो। इनका रिजल्ट बीटेक का 4 जुलाई को आएगा और सीट अलॉटमेंट बीटेक का किया जाएगा 15 जुलाई से, जो कि जेईई मेन और नाटा के रैंक के थ्रू भी हो सकता है। अब देखो, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे उसके लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, एलिजिबिलिटी मैं आगे बताऊंगा आपको, तो आप यूजी पीजी और इंटीग्रेटेड इन पीएचडी प्रोग्राम के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। एडमिशन वाउचर भी डाउनलोड कर सकते हो इनका ऑफिशियल वेबसाइट से, वेबसाइट आप देख सकते हो smvdu.ac.in। एप्लीकेशन फी है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए, प्रॉपर इनका एग्जामिनेशन होता है तो आप एप्लीकेशन फी फिलअप कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एप्लीकेशन फी आपको 1500 रुपये देने होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में सबमिट होगा तो इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए बीटेक एंड बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्सेज के लिए, तो बीटेक के लिए अलग अलग एडमिशन प्रक्रिया है, जैसे कि आप जेईई मेंस एग्जामिनेशन भी देके जा सकते हो। जो भी कैंडिडेट्स बीटेक के लिए एलिजिबल होंगे, जेईई मेंस का एग्जामिनेशन दो, जोसा और सीएसईबी में आप काउंसलिंग कर सकते हो। आपको पता है जो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है वो आपका GFTI के अंदर आता है, तो जोसा ही काउंसलिंग के थ्रू और सीएसईबी के काउंसलिंग के थ्रू भी आ सकते हो। देन उसके अलावा आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जो भी वैकेंट सीट होंगे उस पर आप जेईई मेन के रैंक के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इनका मिनिमम एलिजिबिलिटी है 60% आपका क्लास 12th में होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। देन उसके अलावा आप जो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके थ्रू भी आ सकते हो। उस एग्जामिनेशन को कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं, जिन्होंने क्लास 12th एग्जामिनेशन या उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 2019-20 में पास किया है या फिर 2021 में अपियरिंग है, वो सभी लोग एलिजिबल हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी खुद ही कंडक्ट करती है, तो जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, जो एप्लीकेशन फी 1500 रुपये आपको देने होंगे, उस एग्जामिनेशन को भी दे सकते हो और साथ में जेईई मेंस के एग्जामिनेशन के रैंक पे भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। जो भी कैंडिडेट्स 12th एग्जामिनेशन 2018 में पास किए हैं या फिर 2022 में अपियर होने वाले हैं वो एलिजिबल नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, जो 2019 और 20 में पास कर चुके हैं 12th या फिर 2021 में अपियरिंग है। इसके अलावा कैंडिडेट्स के पास कम से कम 5 सब्जेक्ट होना चाहिए तभी वो एलिजिबल होंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, और उन 5 सब्जेक्ट में आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी है। इसके अलावा केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी या फिर टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट एक होना चाहिए, और क्लास 12th में तो मैंने आपको बताया मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट मार्क्स इन क्लास 12th, और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन शुड बी क्वालिफाइड इन ऑल द कोर्सेज एट 10+2 लेवल। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की बात की जाए तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं बी आर्क प्रोग्राम के लिए थ्रू जोसा एंड सी एस ए बी सो सेटिस्फाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब देखो, जोसा और सी एस ए बी का प्रॉपर अपना एलिजिबिलिटी है तो वो क्वालिफाई करना है। इसके अलावा आप जेई मेन बी आर का एग्जामिनेशन देते हो उसके थ्रू आ सकते हो। उसके अलावा अगर आप डायरेक्ट काउंसलिंग करना चाहते हो वैकेंट सीट पे तो आप जेई मेन के CRL रैंक पे भी आ सकते हो। मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट और ड्रॉइंग टेस्ट आपका एग्जामिनेशन होगा, अर्थात में ये आपका सब्जेक्ट भी होना चाहिए और एग्जामिनेशन भी होगा। उसके अलावा नाटा के स्कोर और रैंक के बेसिस पे भी आप यहाँ पे आ सकते हो। जो भी कैंडिडेट्स 10+2 पास कर चुके हैं या फिर 10+3 डिप्लोमा पास कर चुके हैं उनका 10+2 की पहले बात कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और आपका जो टेस्ट होगा ना उसमें मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड और ड्रॉइंग टेस्ट होगा, जो कि आपका जेईई मेन के पेपर में होता है और नाटा के पेपर में भी होता है, आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। और 10+2 यानी कि 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए, और आपने 10+3 यानी कि डिप्लोमा एग्जामिनेशन पास किया तो मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा डायरेक्ट काउंसलिंग और सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स के बेसिस पे आप एडमिशन ले पाओगे। सीट मैट्रिक्स की बात की जाए तो अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग सीट है, जैसे कि बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए 120 सीट है, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए 120 सीट, मैकेनिकल के लिए 60, सिविल के लिए 60 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 30 सीट्स हैं, और
बीआर के लिए 40 सीट्स हैं, तो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, लिमिटेड कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। उसके अलावा सिलेक्शन की प्रक्रिया की बात करें, तीन मेथड्स है, यानी कि तीन प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप आ सकते हो। सबसे पहला है जोसा और सीएसएबी की काउंसलिंग कर सकते हो, ऑल इंडिया रैंक जो आपका जेईई मेन में होगा उसके बेसिस पे। इसके अलावा श्री माता वैष्णो देवी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे आ सकते हो। देन उसके अलावा डायरेक्ट काउंसलिंग कर सकते हो आप बेस्ड ऑन जेईई मेन के रैंक पे। तो ऑल इंडिया रैंक जो आपका रिलीज किया जाएगा जेईई मेन के थ्रू, उसके बेसिस पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। देखो स्पेशली बीटेक की बात करूँ तो मैंने आपको बताया सीएस मैकेनिकल, EE कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के ब्रांचेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। सिलेक्शन आपको बताया मैंने जेईई मेन और श्री माता वैष्णो देवी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू, और डायरेक्ट काउंसलिंग करोगे तो जूसा और सीएसएबी के थ्रू आप आ सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा बीटेक की बात की जाए, लैटरल एंट्री के ऑप्शन के भी यहाँ पे, हाँ मतलब लैटरल एंट्री के थ्रू भी आ सकते हो आप। जो लैटरल सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो वो जेईई मेन और एआर रैंक के बेसिस पे आ सकते हैं, 60% मिनिमम होना चाहिए। उसके अलावा बैचलर आर्क टीचर की बात की जाए तो क्लास 12th में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में, और आप यहाँ पे जेईई मेन बी आर्क के रैंक के बेसिस पे या फिर नाटक के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, या फिर श्री माता वैष्णो देवी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके बेसिस पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। फीस एंड एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो बीटेक का फीस है 1,70,000 फर्स्ट ईयर का फीस है, जो कि ठीक ठाक फीस है। उसके अलावा एमबीए, बीएससी, एमएससी के भी फीसेस आप देख सकते हो। जेई मेन का कट ऑफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जेई मेन का कट ऑफ कितना रैंक आपको लाना होगा, तो बी आर की बात किया 2,143 से लेकर 2,840 के अंदर आपका रैंक आ रहा है तो आप यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस के लिए 25,658 से लेकर 35,439, आप देखो जो ये मैं रैंक बता रहा हूँ ये रैंक ऊपर नीचे हो सकता है। इसके अलावा बीटेक मैकेनिकल के लिए 35,020 से लेकर 42,873, ये आपका सीआरएल रैंक है जो कि कॉमन रैंक होता है, और इसके थ्रू आप जूसा में अप्लाई कर सकते हो, काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हो। तो ये रैंक है जिसके बेसिस पे बच्चों को एडमिशन मिला है, जो कि प्रीवियस ईयर का रैंक है, और ये 2019 का रैंक है, ये भी मैं आपको बता रहा था दोनों। इसके अलावा हॉस्टल्स की भी फैसिलिटी है, तो बच्चों का यहाँ पे क्या रिव्यू है मैं उसके बेसिस पे हॉस्टल को जज करने वाला हूँ। तो देख सकते हो एक बच्चा है कार्तिके, इन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी इज फुल्ली रेसिडेंशियल, काफ़ी अच्छा जो वहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी वो है। इफ़ यू आर इनरोलिंग इन यूनिवर्सिटी यू हैव टू लिव देयर बट टेंशन नॉट, हॉस्टल्स आर परफेक्टली गुड बट येस कॉलेज इज फंडेड बाय श्राइन बोर्ड सो द चिकन इज नॉट अलाउड इन द यूनिवर्सिटी, चिकन नहीं है क्योंकि आपको पता है श्री माता वैष्णो देवी के बोर्ड के द्वारा यहाँ पे जो जो फंड किया जाता है जिसकी वजह से ये चीज़ें हैं। दिस इज द रीजन वी डोंट हैव चिकन और इवन एग इन द मेस मेन्यू। हॉस्टल फीस आर 20,000 पर ईयर, मेस फीस इज 25,000 पर ईयर, सो द कम्बाइंड कॉस्ट कम्स टू 55K, मतलब 55,000 रुपये, जो कि ठीक ठाक है। इतने फीस लगते हैं हॉस्टल फॉर फर्स्ट ईयर गेट क्लोजर बाई 9 एंड ऑल फॉर एंड फॉर गर्ल्स ऑल ईयर गेट क्लोज बाई, मतलब जो आपके गेट्स हैं, गेट्स की बात की जा रही है, बॉयज़ के लिए 9 बजे है, गर्ल्स के लिए 8:30 बजे बंद है, मतलब बंद हो जाते हैं। मेस फूड इज प्योरली वेजिटेरियन एंड इज परफेक्टली गुड, तो काफ़ी अच्छा खाना रहता है। उसके अलावा दो बच्चे के और रिव्यूज़ हैं। इसके अलावा एक और बच्चे का रिव्यू देखते हैं, जिसका डोगरा उनका नाम है, जैसे कि देख सकते हो बैच 2023 बीटेक कंप्यूटर साइंस, इनका रिव्यू आया था 27 अगस्त 2020 को। देर इज नो नीड फॉर एसी एंड कूलर इन समर, देयर 24 आवर सप्लाई ऑफ कूल चिल्ड वाटर, हाँ फर्स्ट ईयर हॉस्टल फॉर बॉयज़ ऑल 4 ईयर फॉर गर्ल्स आर हैवन न्यूली कंस्ट्रक्टेड, नया नया बिल्डिंग बना है तो काफ़ी अच्छा है। तो आप देख सकते हो हॉस्टल ठीक ठाक है, रहने लायक है, बच्चों के लिए अच्छी फैसिलिटी है, तो आप यहाँ पे जरूर से अप्लाई कर सकते हो। उसकी ज़्यादा रिव्यू के लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट कर देना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।